अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली ये है हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से ऑडियो और वीडियो फाइल्स को ऐड करवा सकते हैं। अब तक हम देख चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को कि हम किस तरह से अपने बटन्स वगैरह और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करवाए थे। लास्ट लैब में हमने इम्पोर्ट करवाना सीखे, पिक्चर्स को इम्पोर्ट करवाना देखा है कि किस तरह से हम कोई पिक्चर इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो आज के लैब में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी कोई भी ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल अपने प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को एक हमेशा से मैं एक PDF दिखाती हूँ, उसके बाद पे मैं आपके एक्सरसाइजेस बताती हूँ। तो आज भी मैंने इस कुछ स्टेप्स फॉलो करवाऊंगी आपको, कुछ स्टेप्स मैंने राइट डाउन किए हुए। सबसे पहले आप मीडिया प्लेयर के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप जैसे कि आपको जो टास्क दिया हुआ उसमें यही कहा हुआ है कि आपको क्या करना है, क्रिएट एन एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 बटन्स टू प्ले पॉज एंड स्टॉप एन ऑडियो फाइल इन मोबाइल एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट। Add another activity with 3 buttons to play, pause and stop a video file in mobile application and project. ठीक है, तो ये दो काम आपको करने से इसमें आपको buttons कितने add करवाने, 3 add करवाने, play, pause and stop. मैं जो आपको video show करूँगी उसमें आपको सिर्फ एक button play का या start का button play करना सिखाऊंगी, उसके बाद 3 buttons आपको add करेंगे, बाकी के buttons आप खुद ऐड करेंगे। ऐड 3 बटन्स लेबलिंग कर दी उसके आपने स्टार्ट पॉज एंड स्टॉप के नाम से। तो उसके बाद आपने क्रिएट करना है एक रिसोर्स फोल्डर। आपके पास रिसोर्स फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, बेसिकली आपके पास न्यू एक फोल्डर आप डायरेक्टरी ऐड करवा रहे होंगे, इसको ये कह सकते हैं, फोल्डर नहीं ऐड कर, रिसोर्स फोल्डर आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है JRES के नाम से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसोर्स फोल्डर होता है, उस फोल्डर में आप न्यू डायरेक्टरी ऐड करवाएंगे। ये यहाँ जाके आपको देखें, जिस तरह से ये एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया हुआ है, RES न्यू, फिर आप एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद जब आप देखेंगे इसमें आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा क्लास, उस ड्रॉप डाउन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से आपको रॉ वाला ऑप्शन चूज करना है। मीन्स वो डिफरेंट ऑप्शन के फोल्डर शो कर रहा होगा कि विच फोल्डर यू हैव टू इंसर्ट, तो आपको क्या करना है, रॉ फोल्डर इंसर्ट करवाने। अब मैं आई विल रिपीट माय ऑल स्टेप्स। आप सबसे पहले 3 बटन्स ऐड करवा लेंगे, फिर उसके बाद आप रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे जो आपके प्रोजेक्ट में मौजूद होगा। रिसोर्स फोल्डर पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्ट्रीज आ जाएगा, आप इन डायरेक्ट्रीज पे क्लिक करेंगे। जब डायरेक्ट्री पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उस ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको कौन सा फोल्डर ऐड करवाना है, रॉ फोल्डर ऐड करवाना है। जब आप अपना रॉ फोल्डर ऐड करवा देंगे तो उस रॉ फोल्डर के अंदर अगर आप MP3 या MP4 जो भी फाइल आप ऐड करवा रहे हैं, अगर आपकी ऑडियो फाइल है तो ऑब्वियसली वो MP3 फाइल होगी, वीडियो है तो वो MP4 फाइल होगी, तो आप अपनी ऑडियो या वीडियो फाइल जो भी आप ऐड करवाना चाहें अपने प्रोजेक्ट में उसे वहां पेस्ट कर देंगे। कहाँ पेस्ट कर देंगे, रॉ फोल्डर के अंदर। ये तो एक सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फिर आपको कोड की तरफ आना है, फिर आप कोड की तरफ किस तरह से आएंगे क्लास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना होगा, बटन्स को जब आप प्ले बटन ऐड कराएंगे तो आप ID दे देंगे, ये तो आप करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं, आपके लिए नई चीज क्या आ जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन ऑफ कोड आपके लिए नया है। तो इस वाले लाइन ऑफ कोड में आपने क्या करना है, इस वाले लाइन ऑफ कोड में आपको क्या कहा जा रहा है कि फाइनल मीडिया प्लेयर MP इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, यानी मीडिया प्लेयर MP क्या है आपका ये इम्पोर्ट करवाया हुआ अपना हेडर आपको इम्पोर्ट करवाना जरूरी है ये वाला, ठीक है। तो MP इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट दिस r.raw.calimba, ठीक है। ये अब जो कैलिम्बा के नाम से जो ये आपने नाम दिया हुआ है यहाँ पर अपने लाइन ऑफ कोड में आप देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, ये आपकी ऑडियो फाइल का नेम है,
तो आपने यहाँ पर अपनी एक ऑडियो फाइल के लिए ये वाला मीडिया प्लेयर वाली लाइन, एक लाइन ऑफ कोड ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ऑडियो का नाम देना है, जो भी आपका ऑडियो का नेम होगा वो। फिर उसके बाद आपको क्लिक ऑन क्लिक इवेंट्स पे जाना होगा, बटन्स के क्लिक इवेंट्स पे जाना होगा, उनके लिए आपको ये सारे काम करने होंगे, सेट करना होगा ऑब्वियसली, तो एमपी डॉट स्टार्ट, एमपी डॉट पॉज, एमपी डॉट स्टॉप, ये सब काम करने हैं। अभी करना कैसे है और क्या करना है, सबको मैं आपको दिखाती हूँ क्लास। क्योंकि क्लास इस तरह से आप अपना एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, उसमें आपने पहले मैं आपको ऑडियो ऐड करना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कैसे। लास्ट जितनी भी लैब्स मैंने वीडियो के रेफरेंसेस यूज किए, मैंने सब वीडियोस को आपको लिंक्स भी शो कर दिए हैं, साथ में आपके पास जो सपोर्टिंग वीडियो होती है यूट्यूब की, उसको मैंने लिंक दे दिए थे, इन वीडियोस के भी मैं लिंक दे दूंगी। सिंपली इसने क्या किया है, अभी इस वीडियो में आपने क्या देखा, सिंपली के एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैं ऑडियो के नाम से, और ये एक ऑडियो फाइल दिखा रहे हैं आपको। इस ऑडियो फाइल के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये कुछ साउंड है इसके अंदर, ऑब्वियसली वो साउंड प्ले किया है मैंने वीडियो की साउंड को, क्योंकि म्यूट किया हुआ इसलिए आपको साउंड प्ले करके नहीं हो सका। अब ये देखें, रिसोर्स फाइल के अंदर गए और ये डायरेक्टरी नेम दिया रॉ। अच्छा, इसके पास ड्रॉप डाउन नहीं आया, लेकिन अगर न्यू वर्जन है तो ड्रॉप डाउन भी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पर आपने फाइल का नेम दे दिया, जो भी आपका फाइल का, रीनेम भी कर सकते हैं, तो इसने इजी ट्यूटो के नाम से फाइल का रीनेम कर दिया सिंपली। उसके बाद यहाँ पर अब बटन एक बटन ऐड करवाया है, जिसको रीनेम करके क्या कर देंगे, वो प्ले कर देंगे, प्ले। अब उसके बाद प्ले बटन के ऑब्वियसली क्लिक इवेंट पे जाना है, तो आप डिजाइन व्यू से हटकर टेक्स्ट व्यू में आ जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो आप ऐड करवाएंगे ऑन क्लिक का मेथड, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं, और ये प्ले इट का एक फंक्शन आपने पास करवा दिया। अब आप एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे, यहाँ पर आप प्ले इट का फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप प्ले इट का फंक्शन क्रिएट करेंगे, और व्यू पास करवा दिया उसमें आपने। ये सब काम आपके लिए नया नहीं है, ये सब काम आप कर कर आ चुके हैं, अब इन सब कामों की तो आपको आदत हो जानी चाहिए। ये फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया, अब आपको बेसिकली करना क्या है, इन सबसे पहले आपको एक मल्टीमीडिया का मैंने आपको बताया था कि हेडर इंपोर्ट कराना जरूरी है, और आपने क्या किया है, मीडिया प्लेयर के नाम से हेडिंग दे दी है, और उसकी उसका माई सॉन्ग के नाम से, मतलब मीडिया प्लेयर माई सॉन्ग, आपने इस एक्टिविटी को नेम दे दिया बेसिकली। उसके बाद आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, माई सॉन्ग इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, जो भी आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा होगी वो, या फिर जो भी इसका नाम आपने रखा होगा वो, डॉट दिस, और फिर उसके बाद आप अपने साउंड के ऑडियो फाइल का नेम दे देंगे, यहाँ पे आर डॉट रॉ। आपने ये सिंपल अपना जो ऑडियो फाइल है उसका पाथ दे दिया है, कहाँ कहाँ जाकर वो रिसोर्सेज में जाएगा। अब रुके, मैं आपको ये लाइन थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड एक्सप्लेन कर दूँ। ये मीडिया प्लेयर क्या कर रहा है, इस एक्टिविटी में जाके आपने क्या कहा है कि क्या कीजिए, आर फाइल रिसोर्सेज फोल्डर में जाए, रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो रॉ फोल्डर है उसमें जाए, और रॉ फोल्डर के अंदर जो इजी ट्यूटो के नाम से MP3 प्लेयर है उसको एक्सेस कीजिए। तो अब इस लाइन ऑफ कोड के बाद आपके माय सॉन्ग को पता है कि कौन सी फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, किस वीडियो फाइल को एक्सेस करना है। तो अब क्या करेंगे आप, माय सॉन्ग में आपने ये सब डाल दिया, अब माय सॉन्ग के अंदर आप क्या करेंगे, अब ये देखें आप माई सॉन्ग डॉट स्टार्ट। अब आपने क्या कहा कि माई सॉन्ग डॉट स्टार्ट कर दें, तो अब जब भी ये बटन आप करेंगे इस प्रोजेक्ट को प्ले करेंगे, तो आपका जो भी साउंड है वो प्ले हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने इस वीडियो का वॉइस जो है वो म्यूट किया हुआ है, इस वीडियो की ओरिजिनल वॉइस, लेकिन मैं इसका लिंक आपको दूंगी, आप देख सकेंगे बाद में।
तो अब ये जब प्ले बटन पे क्लिक करेंगे क्लास, तो ये प्ले बटन के क्लिक इवेंट पर जो साउंड इन्होंने ऐड करवाया है इजी ट्यूटो के नाम से, जो MP3, वो साउंड प्ले हो जाएगा। मगर इसमें एक मसला होगा, क्या होगा कि वो प्ले करने के बाद जब वो अपना व्यू, अपना जो प्रोजेक्ट एंड्रॉइड व्यू है उसको एग्जिट भी करें तब भी वो साउंड प्ले हो रहा है। तो अब आपको इस साउंड को मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर प्ले का बटन क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स बैकएंड पे चलते जा रहे हैं, एक एक से ज्यादा टाइम साउंड प्ले होता जा रहा है। जैसे ये देखिए, अभी आपको बार बार करके दिखा रहे हैं, तो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आप नीचे देखें तो आपका साउंड प्ले हो रहा है और पॉज नहीं हो रहा वो साउंड। तो अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको साउंड की कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है और एक वो करना है, आपको साउंड को स्टॉप करवाना है। अब वो किस तरह से स्टॉप करवाएंगे आप ये देखिएगा, ये भी बार बार आपको प्ले करके दिखा रहे हैं। अभी इस वीडियो का क्यों के साउंड मैंने चने कोट पे आ गए। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब ऑन पॉज का मेथड क्रिएट कर दिया है इन्होंने, सुपर डॉट ऑन पॉज। जैसे मैंने आपको वहां पर माई सॉन्ग डॉट रिलीज, ये वाला जो कोड है ना माई सॉन्ग डॉट रिलीज, ये क्या कर देगा, जब भी आपका माई सॉन्ग एग्जिट होगा, यानी कि जब भी आपका ये वाली बटन, जिस बटन के बैकएंड पे ये सब काम हो रहे हैं, ये वाली स्क्रीन जब आपकी एग्जिट हो जाएगी, माई एक्टिविटी, ये सब आपकी जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आउटपुट है वो जब एग्जिट होगा, तो ये साउंड और वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये कोड आपको लिखना जरूरी है। इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपकी वीडियो फाइल ऐड होगी। इस तरह से आप सिंपल आसानी से अपना क्या कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं। वीडियो फाइल का मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ऐड होगी। क्लास अब आप देखें कि किस तरह से आपके पास वीडियो फाइल ऐड होगी, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से। आप यहाँ पर अभी सिंपल आप क्या करते हैं, वीडियो व्यू कर देंगे। अच्छा, ये सारे काम आप क्या करेंगे क्लास, आपके पास ये सब काम सेम वैसे ही होंगे, आपने रिसोर्स के अंदर जो है वो रॉ फोल्डर ऐड करवा के ये सब काम करने, यहाँ पे आपने आईडी दे दी वीडियो व्यू को। नहीं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसको पीछे लेके चले जाओ, इसको बाहर ले जाओ, ये शोर करता है। जावी जावी, मैं अभी आपको बुलाती हूँ, अभी आपको बुलाता हूँ, जावी मैं अभी बुला रही हूँ मेरा बेटा। ये देखिए, आपने इसी तरह से रिसोर्स फोल्डर के अंदर एंड्रॉइड डायरेक्टरी ऐड करवाई, डायरेक्टरी के अंदर आप जाके यहाँ पर देखिए, इस तरह से ड्रॉप डाउन आपके इसके पास अब ड्रॉप डाउन आया है, लेकिन अगर नहीं भी आया तो भी आप रॉ लिख दीजिएगा, रॉ फोल्डर में ऐड करवाएंगे। अब आप अपनी जो भी आपकी अगर आप शो इन एक्सप्लोरर करेंगे तो आपको एक्सप्लोरर में भी शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी वीडियो फाइल, जो भी आपकी वीडियो फाइल है आप यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप अपना रॉ फोल्डर देखेंगे तो आपकी वीडियो फाइल वहाँ पे मौजूद होगी, ये देख सकते हैं आपकी वीडियो फाइल वहाँ पे मौजूद है। अब आप जावा में जाएं, एक्टिविटी डॉट जावा में जाकर आपने क्या काम करना है, वीडियो व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट वीडियो व्यू। ठीक है, ये सब काम आप करते आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग वीडियो पाथ, अब वीडियो पाथ दिया आपने इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग वैल्यू लेगा एंड्रॉइड डॉट रिसोर्स। अब ये जो भी आपने कॉन्केटिनेट करेंगे, उसके बाद गेट पैकेज, इस ये थ्रू आपको वीडियो का जो आपके वीडियो का पाथ है वो पता चल रहा है, व्हाट इज द पाथ ऑफ योर वीडियो आर डॉट रॉ डॉट वीडियो। ठीक है, वीडियो का नेम जो आपकी वीडियो का नाम है वो वीडियो ही है। तो जैसे कि आपके पास वहां पर क्या हो रहा था कि आपने यहाँ पे ऑडियो का नेम दे दिया था, जो भी आपकी ऑडियो फाइल थी, यहाँ पे आपकी ऑडियो फाइल की जगह किसका नेम चला गया है, वीडियो पाथ में किसका नेम। अब वीडियो पाथ को पता है कि कौन सी वीडियो प्ले करनी है, ठीक है, उसका उसके पास पूरा पैसेज है। अब आप ये देखिए, यू आर आई, इसने एक कीवर्ड यूज किया है यू आर आई,
ये यूआरआई क्या है? ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेसिकली हम इस यूआरआई को क्यों यूज करते हैं? हम इसको किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या आइडेंटिफाई करवा रहे हैं? अपनी वीडियो। हमारी रिसोर्स क्या है? वीडियो है। अब हमारी रिसोर्स क्या क्या हो सकती है? हमारी रिसोर्स कोई ईमेल हो सकती है, हमारी रिसोर्स कोई फोन नंबर भी हो सकता है, हमारी रिसोर्स मैप भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनको ये यूआरआई आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर हम अपनी जो रिसोर्स आइडेंटिफाई करवा रहे हैं वो रिसोर्स है हमारे पास वीडियो, उसको पार्स करवाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो पैथ के अंदर हमारे पास, हम इस वीडियो पैथ को पता था कि कौन सी वीडियो को प्ले करना है, हमने अपने रिसोर्स में उसको आइडेंटिफाई करवाया और सेट कर दिया। अब यहाँ इसके बाद क्या है, जो वीडियो व्यू है उसको अच्छी तरह से पता है कि विच वीडियो वी हैव टू प्ले। ठीक है, इस पूरे इन दोनों स्टेप्स के बाद, तीनों के बाद। अब यहाँ पर क्लास वीडियो को ऐड कराने के बाद, यहाँ तक तो हमने वीडियो ऐड करा ली। ठीक है, यहाँ तक हमने अपनी वीडियो ऐड करा ली। अब बेसिकली हम मीडिया कंट्रोलर को क्यों ऐड करवाने? ताकि हमारी वीडियो के पास प्ले स्टॉप फॉरवर्ड बैकवर्ड और जो नीचे एक स्लाइडर आ रहे होते वीडियो के, आप देखेंगे आपकी यूट्यूब की वीडियो में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड प्ले पॉज ये सब ऑप्शंस आ रहे होते हैं जब वीडियो पे आप क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखें ये क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे पास प्ले बैकवर्ड फॉरवर्ड और ये एक स्लाइडर आ रहा है ना, आपको आई होप ये विजिबल होगा। तो ये स्लाइडर आ रहा है, तो इस तरह का आपको कंट्रोलर ऐड करने के लिए, अपना एक कंट्रोलर है ये बेसिकली, ये प्ले करेगा, ये बैकवर्ड करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा। इस स्लाइडर के थ्रू भी आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप अपनी किस पोजीशन पे वीडियो की जाना चाह रहे हैं। तो इस कंट्रोलर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कंट्रोलर को ऐड करने के लिए आप ये वाला कोड कर रहे हैं ताकि आपकी जो वीडियो है उसमें ये कंट्रोलर आ जाए, आराम से आप अपनी वीडियो को सेट कर सकें, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप कर सकें। ठीक है, ये हो गया। आपको सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको अपना, ये देखें अब इन्होंने प्ले किया है और ये इनके पास कंट्रोलर भी आ गया है। अच्छा क्लास एक बात याद रखिएगा, ये कंट्रोलर आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा, आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। आपको वीडियो जब आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो आप अपना आउटपुट रन कर देंगे, उसके बाद जब आप अपनी वीडियो पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं भी अभी अपनी वीडियो पे क्लिक कर रही हूँ तो ये कंट्रोलर मेरे पास शो हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोलर शो होगा, अदरवाइज ये कंट्रोलर शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी वीडियो ऐड करवाते हैं। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ दोबारा। तो अब हम लोगों को जो टास्क करने हैं वो क्या क्या करने हैं, हमें सबसे पहले एक क्रिएट एन ऑडियो प्लेयर विद एटलीस्ट, अब इस तरह से आपको दो दो चीजें ऐड करना आ गई। सबसे पहले आपको पता चल गया कि ऑडियो फाइल किस तरह से ऐड की जाती है एंड्रॉइड स्टूडियो में। सेकेंडली आपको पता चल गया कि वीडियो फाइल किस तरह से ऐड की जाती है एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड्स हैं, उन्हीं कोड्स को कॉपी पेस्ट कीजिए और अपनी फाइल्स के नेम सिर्फ दीजिए, डिफरेंट जो आपकी फाइल्स के नेम होंगे वो दीजिए सिर्फ, और फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना है रॉ के अंदर, बाकी सब कोड वही यूज होगा। तो अब आपने क्या करना है, क्रिएट एन ऑडियो प्लेयर विद एटलीस्ट 5 ऑडियो फाइल्स लिस्टिंग इन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड बाय सिलेक्टिंग एनी वी कैन प्ले पॉज एंड स्टॉप द साउंड। ठीक है, यानी 3 बटन होने चाहिए, एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, उसमें 5 ऑडियो फाइल्स आपने ऐड करानी है। दूसरी एक्टिविटी के अंदर आपने क्या करना है, ऐड एन एक्टिविटी टू प्ले वीडियो फाइल। सिंपल, आपको क्या करना है, एक कोई सी भी वीडियो फाइल प्ले करवा के दिखानी है। तो ये दो टास्क हैं आपके, एक में आपको 5 ऑडियो फाइल्स प्ले करवानी है और उनकी नेम ड्रॉप डाउन मेन्यू में देने हैं, ये भी आपको पता है, ये पहले आप एलिमेंट यूज कर चुके हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू का। और एक्टिविटी के दूसरी दूसरी में आपको क्या करना है, टास्क में आपको वीडियो फाइल ऐड करवानी है, उसको प्ले करवाना है। ठीक है, उसको प्ले करवाना है स्टॉप, यानी वो आपको कंट्रोलर ऐड करवाना है, प्ले स्टॉप पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो कंट्रोलर ऐड करवाना है आपको बेसिकली। आई होप आपका लेक्चर आपको क्लियर होगा।
बाकी जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में कर सकते हैं. थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़.